गाइस, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मुझे मिलने वाली है दुनिया की सबसे खतरनाक सजा। और ये सजा दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को दी जाती है। और जब ये सजा मिलती है, तब इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है, वो पागल हो जाता है और लास्ट स्टेज पर उसकी मौत भी हो जाती है। गाइस, इसके अंदर ना ही मारा जाता है ना ही पीटा जाता है, बट एक वाइट कमरे के अंदर इंसान को रखा जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं द वाइट रूम टॉर्चर। और ये जो आप देख रहे हो, ये एक वाइट रूम है जो कि नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा वाइट होता है। यहां सारी की सारी चीजें जो वो वाइट होती है, यहां तक बेड और सारी चीजें लगा लो, एक भी कलर नहीं होता है। और इसी वजह से धीरे धीरे इंसान का जो दिमाग है वो इतना ज्यादा जो वो परेशान हो जाता है, वो पागल होने लगता है, क्योंकि एक भी कलर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर होता है। और धीरे धीरे इतना टॉर्चर बढ़ जाता है कि लास्ट में इंसान की मौत भी हो जाती है। तो आज हम इस चीज़ को परफॉर्म करने वाले हैं। हम इसके अंदर रहने वाले हैं 24 घंटे के लिए, और ये पूरा का पूरा जो वाइट रूम है, मेरे कपड़े भी अभी वाइट हो जाएंगे, जो खाना मिलेगा वो भी मुझे वाइट मिलेगा, और देखते हैं कि हम 24 घंटे इसके अंदर रह पाते हैं या फिर नहीं। और जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग फटाफट से जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर से दबा देना, एंड देखते हैं कि इसके अंदर रहना सच में कितना ज़्यादा मुश्किल है। मेरी सजा शुरू हो चुकी है और इस वक्त आप मुझे देख रहे हो वाइट रूम के अंदर। कपड़े भी चेंज हो चुके हैं मेरे, पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो कम्प्लीटली वाइट, ये रूम जो है वो भी कम्प्लीटली वाइट है। मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। इनका सजा शुरू होते ही थोड़ा सा अजीब अजीब फील होने लगा है। पहले तो मैं आपको कमरा चेक करवा दूँ। पूरा कमरा जो होगा इस वाइट है, कहीं पर भी एक भी कलर नहीं है। देख लीजिए, नीचे से भी आप देख लीजिए, पूरा का पूरा जो वो वाइट हो रखा है। ये हमारा ट्राइपॉड है जो कि पहले ब्लैक हुआ करता था, ये भी वाइट है। हमारी एलईडी लाइट, ये भी वाइट है। यहाँ पर एक दूसरा कैमरा है, वो भी कम्प्लीटली वाइट है। तो इस तरीके का होता है एक वाइट रूम। और गाइज, मुझे जो खाना मिलने वाला है वो भी वाइट ही मिलने वाला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसका कोई कलर हो, सिर्फ और सिर्फ वाइट। और ये एक वाइट एक कलर ही है, बट फिर भी आप इसे कलरलेस बोल सकते हो, क्योंकि कोई भी कलर आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ तो ये है मेरी पानी की बोतल, ये भी कम्प्लीटली वाइट हो रखी है। यहाँ पर गाइस है सुसू करने के लिए एक बकेट है जिसके अंदर एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, तो आप आराम से यहाँ पर इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो यहाँ पर आए हुए मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए, और गाइस सच बताऊँ तो काफ़ी अजीब लग रहा है, क्योंकि पहले तो ऐसे ही फील आ रही है कि मैं कैदी हूँ सच में, कि मुझे एक ऐसी सज़ा मिली है जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को दी जाती है। एंड उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ, बट एक बार आप लुक देख लीजिए, कहीं पर भी गाइस एक भी कलर नहीं है, सब कुछ यहाँ पर वाइट ही वाइट है। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि वाइट रूम टॉर्चर काम कैसे करता है। ये आपके दिमाग पर इतनी गहरी असर छोड़ता है, धीरे धीरे आपका दिमाग जो बिना कलर देखे वो एक सुन सा होने लगता है धीरे धीरे, और आप अपनी याददाश्त खोने लगते हो, और लास्ट मोमेंट पर, जैसा कि मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया, मौत भी हो सकती है। वाइट रूम एक्चुअल में गाइस ऐसे मुजरिमों के लिए है जिन पर मारपीट का कोई असर नहीं होता है। पुलिस जो उनसे कितना भी उगलवाने की कोशिश करे कि ये जुर्म किसने किया है, उनको मारे पीटे फिजिकली कितना भी टॉर्चर करे, उन पर कोई असर नहीं होता है, तब लास्ट में बचता है वाइट रूम। स्टार्ट में ऐसा लगा कि मैं किसी स्टूडियो के अंदर हूँ, बट धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो अजीब होने लगी है। यहाँ पर आए हुए मुझे आधा घंटा जो बीत चुका है, एंड कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगी है, एक ऐसी फीलिंग जो कि मैं आपको समझा नहीं सकता। एक बार अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा कमरा है वो एकदम कलरलेस है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी जगह पर आ चुके हो जहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, कुछ ऐसे फील आ रही है गाइस। देखते हैं
अभी तो सिर्फ हुआ है आधा घंटा। गाइस, ये जो पूरा कमरा है वो थर्मोकोल की सीट से बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ सीट सी है जिनको हमने पूरे कमरे में लगा दिया है ताकि हमारा जो कमरा है वो प्योर वाइट हो जाए। तकरीबन जो टाइम बीता है अंदर वो है 1 घंटे का, एंड अभी मैं आपको अपनी फीलिंग बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं पानी वगैरह लेता हूँ। एंड मे बी मुझे 12 बजे के आसपास जो खाना मिल सकता है, और जो खाना मिलेगा वो भी पूरा का पूरा जो वाइट ही होने वाला है, कहीं से भी कोई भी कलर वाली चीज़ जो मुझे देखने को नहीं मिलेगी 24 घंटे के लिए। तो गाइस, जो पहली दिक्कत आ रही है वो सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं है ये, कि काफ़ी अकेलापन सा फील हो रहा है। मतलब ये जो फीलिंग है ना यार, ऐसी फीलिंग है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आप अकेले हो, वैसा फील आ रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, ना तो बाहर से आवाज़ आ रही है। हमने इसीलिए ऐसा इलाका भी चुना है जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, मतलब कम्प्लीटली क्वाइट हो, तो इसीलिए अकेलेपन की जो फीलिंग है ना वो हद से ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है सिर दर्द, धीरे धीरे जो वो सिर दर्द बढ़ता जा रहा है, अभी हुआ है सिर्फ 1 घंटा और मैं वेट कर रहा हूँ कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ही ज़्यादा भूख। गाइस, इस वक्त मैं ज़मीन पर ही सोया हूँ क्योंकि मुझे बिस्तर पर ठीक नहीं, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, और यहाँ से गाइस जो टाइम निकल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं सदियों से फंसा हूँ। गाइस, तकरीबन 2 घंटे का जो वो टाइम निकल चुका है, एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये जो सज़ा है जिन भी लोगों को मिलती होंगी, पता नहीं वो किस टाइम तक उसके अंदर रह पाते होंगे। इसको मजाक की तरह बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, भले ही ये कमरा है बट किसी की बैंड बजाने के लिए काफ़ी है। एक बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ टाइम का, 12 बजने होने चाहिए, मतलब मे बी ऐसे 3 घंटे हो जाने चाहिए, एंड मुझे बिना टाइम के जो खाना भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। जैसे कैदियों को जब चाहे तब नहीं मिलता, जब टाइम होता है तभी मिलता है, उसी तरीके से गाइस यहाँ पर मुझे भी जो मे बी अभी आधे घंटे के अंदर खाना मिल जाए। अभी मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 12 बजने वाले होंगे, अगर 12 बज जाएंगे तब मुझे खाना मिलेगा और वो भी पूरा वाइट। पता नहीं, यहाँ यार अजीब सी बात है कि यहाँ ठंड काफ़ी लग रही है, ऐसा नहीं कि बाहर है उससे ज़्यादा लग रही है। अभी मुझे आइडिया नहीं है अंदर क्यों ज़्यादा ठंड लग रही है, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि सारी चीज़ें जो वो वाइट है, दिमाग को कोई और कलर जो देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो फीलिंग जो कुछ अजीब सी आ रही है। गाइस, वैसे फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ खाने का, एक तरीके से सोच नहीं पा रहा है, सब कुछ वाइट ही दिख रहा है, और मुझे ऑलमोस्ट जो 3 घंटे के आसपास का जो टाइम हो चुका है, मैंने एक भी कलर नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सारी चीज़ें वाइट है। एंड खाने में क्या क्या है, तो ये ब्रेड है गाइस, एकदम जो जेल वाली फील आ रही है। ब्रेड तो देखो कितनी ज़्यादा टाइट हो रखी है, एक केला है छिला हुआ, ये ऊपर छिलका नहीं है ताकि वाइट रहे, एंड साथ में है, अभी टेस्ट करना पड़ेगा, दूध है, मुझे लग रहा कोई ऐसे खीर वगैरह दे दी, कोई नहीं अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। सच में इन लोगों ने तो हद कर दी, ये भी एकदम टाइट वाले का ताज़ा ले आते। अभी कोई रास्ता नहीं यार, मतलब इसमें फीचर्स नहीं होते, आप समझ रहे हो, सुविधाएं कम होती है, बस आपको काटना होता है दिन। ट्राई करूँगा अगर नींद आ जाती है, वैसे दोपहर को नींद तो नहीं आएगी, बट अगर आ जाती है तो थोड़ा सा टाइम जो वो कट जाएगा वो सही रहेगा मेरे हिसाब से। गाइस, वैसे आज समझ आया, आपके खाने में टेस्ट का होना ना होना अलग बात होती है, बट कलर होना चाहिए। बस गाइस, हो गया।
अब सोचता हूँ थोड़ी देर के लिए आराम ही कर लूँ, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठे थे। चलो ठीक हुए, पता नहीं मुझे नींद तो आ गई थी, बट अभी सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ मैं कि कितने टाइम के लिए मैं सोया था। कुछ 4 बजेंगे तब मुझे जो एक आवाज़ दी जाएगी, ताकि थोड़ा सा मुझे टाइम का जो अंदाज़ा लगे। ऐसा फील हो रहा है कि जो हम जैसे लोग होते ना गाइस, हर लोग है ना, हर रोज़ लोगों से घिरे रहते हैं, हमारी टीम साथ में होती है, हम ऐसा टाइम, मतलब मुझे याद नहीं होगा मैंने कभी अकेले 1 घंटा बिताया होगा। आप समझ लो, अकेले टाइम बिताने का मौका ही नहीं होता है। 24 घंटे ऐसे लगे हुए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे, वीडियो बना रहे, घूम रहे कहीं, तो लोगों से घिरे रहते हैं। बट जब यहाँ पर आया मैं, तो एकदम से ये सारे कनेक्शन टूट गए, और ये कमरा ही ऐसा लग रहा है कि हमारी दुनिया है। कोई नहीं गाइस, अभी जहाँ फंसे उस सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल किया जाए और सोचा जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी फंस तो गया हूँ, अभी कोई दिक्कत है नहीं, तो सोचा ऐसा ही लगता है कि वापस से यहाँ पर बेड पर लेट जाए, सो जाए। गाइस, हो सकता है मुझे शाम के 6 बजे जो हो वापस खाना दिया जाए। जैसे भी मेंटल टॉर्चर क्या होता है ना, वो मुझे पता चल गया है। और गैस सोचो, ये सजा लाइफ टाइम के लिए मिल जाए। जैसे 6 बजते हैं तो वापस से मुझे खाना दिया जाएगा। इसके अंदर की जो लाइट है वो 24 घंटे के लिए ऑन ही रहती है, क्योंकि अगर बंद हो जाती है तो ये रूम पूरा ब्लैक हो जाएगा, और जो वाइट रूम टॉर्चर है वो कट जाएगा बीच में से। तो इसीलिए इसकी जो कमरे की लाइट्स होती है वो 24 घंटे के लिए जलती रहती है, और इसीलिए इंसान को मतलब एक भनक भी नहीं लग पाती कि कितने बजे है, क्या टाइम हुआ है, कि और कितना टाइम जो वो निकला है। गाइस, ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कभी कलर देखे ही नहीं है। चलो मैं भी खाना आया होगा। गाइस, मैं जब भी खाना ले रहा हूँ मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, वाइट है। सो गाइस, यहाँ पर हमें चम्मच मिला है, वो भी वाइट है कम्प्लीटली। ये चावल है, ये वही घिसी पिटा ब्रेड है अपनी, जो काफ़ी ज़्यादा जो कड़क हो चुकी है अभी इस टाइम पर। या वापस एक केला मिला है, और ये है रसगुल्ले। यार मैं कैदी हूँ, इस चीज़ ने मुझे कैदी साबित नहीं किया। प्योर वाइट जो है वो आइटम काफ़ी ज़्यादा कम होती है, बहुत ही कम होती है। हमारे पास यहाँ चावल, वापस इन्होंने ब्रेड भेजी है, बट मैं नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका टेस्ट कैसा है। गाइस, जैसा लग रहा है कि मैंने कोई कभी कलर देखा ही नहीं। मैं इसे बाद में भी खा सकता हूँ, इसको यहाँ पर रख देते हैं अभी के लिए। यार ये भी वाइट है, सबसे ज़्यादा अजीब चीज़। मुझे कुछ ज़्यादा भूख नहीं थी खास, अगर अभी खाना मिला था तो मैं भी अभी 6:10-15 गए होंगे। अभी तो यार मैंने कुछ नहीं, पूरा जो हमारा चैलेंज है ना अभी एक्चुअल में शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, और मैं ट्राई करता हूँ अगर सो पाता हूँ। गाइस, मेरे हिसाब से खाना खाए हुए मुझे 3 घंटे के आजू बाजू हो चुके हैं। ऐसा मैं एक जस्ट अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आधा घंटा भी हो सकता है ज़्यादा टाइम भी हो गया, बट ऐसा समझ रहा हूँ कि नहीं, 3 घंटे चले गए हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे बिताने हैं तकरीबन और 12 घंटे, यानी कि मे बी अगर अभी देखो 9 बजे होंगे ना, तो मुझे और 12 घंटे यहाँ पर बिताने हैं। और खाना है मेरे पास, खाना अभी तक सुबह तक क्या मुझे अभी मिलने ही नहीं वाला, ये लास्ट बार था। और हाँ, अभी भूलने वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपसे सच बोल रहा हूँ,
कि भूलने वाली कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ सर दर्द हो रहा है, अकेलापन जो वो खाए जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया में अकेले ही हैं। मेरी नींद खुल गई है एंड बता नहीं सकते कितना टाइम जो वो गया है, कितना टाइम जो वो और भी बचा है, बट बीच बीच में मैंने सोचा आपसे बात कर लेते हैं। अब यार जब मेरी नींद खुली ना तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर पर हूँ, व्हाइट रूम में नहीं, वो सिर्फ एक बुरा सपना था। और जैसे नींद खुलने वाली थी तो ऐसा फील आया कि ये सच हो जाए और मैं अपने घर पर ही तो मज़ा आएगा। गाइस बाकी इस टाइम जो वो सर भी जो वो सेम तरीके से दर्द कर रहा है, सर दर्द कम नहीं हो रहा है, उल्टा और बढ़ता जा रहा है, एंड मुझे कुछ बोलना नहीं है यार अभी। वैसे गाइस मुझे नॉर्मली इतनी रात को जो जागने की आदत नहीं है, हम टाइम पर सो जाते हैं, टाइम पर सुबह उठ जाते हैं और बाकी वीडियोस बनाते हैं, यही अपना जो डेली का काम होता है। और बट आज जो वो कुछ थोड़ा सा ये बिखर चुका है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे नींद आ जाए। यार सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पर ख़त्म कर दूँ। वेट 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 भैया क्या कर रहे हो गाइस, आओगे 9 बजे? हाँ बज गए। रुको 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 गाइस, टाइम हो चुका है और मैं बाहर जा रहा हूँ, ये पकड़ो। ओह गाइस, पहले तो यार आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि किसी और प्लेनेट पर आ गया हूँ क्योंकि 24 घंटों से मैं सिर्फ और सिर्फ वाइट चीज़ें देख रहा था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लग रही है। एंड मैं अभी कुछ ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं हूँ, एक तो पता नहीं मैं बीमार पड़ गया हूँ या फिर क्या, ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, हद से ज़्यादा लग रही है, एंड गला भी थोड़ा सा बैठ गया है, एंड सर दर्द तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं है वाइट रूम का असर था या फिर क्या था। सो गाइस मैं लास्ट में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बस जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ जो लाइक का बटन है उसे दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन पर प्रेस। बाकी जो वाइट रूम है वो आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा असर करता है, सर दर्द हुआ, अकेलापन फील हुआ और बैंड बज गई। चलिए ऐसे मैं जिस नेक्स्ट टाइम कभी नहीं करने वाला हूँ, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।